लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। हमीरपुर जिला प्रशासन ने भी लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमीरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ऋचा वर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हमीरपुर जिला में 384,147 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिनमें से पुरुष मतदाता 188,224 हैं और महिला मतदाता 195,913 हैं। 2,575 दिव्यांग मतदाता इस बार चुनावों में भाग लेंगे। ऋचा वर्मा ने बताया कि पूरा जिला में कुल 2,112 मतदान कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और 528 मतदान केंद्रों में 60 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग होगी। उन्होंने बताया कि मतदाता सहायता केंद्र टोल फ्री नंबर 1950 भी 24 घंटे जानकारी के लिए उपलब्ध रहेगा। डॉक्टर ऋचा वर्मा ने बताया कि 29 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, तो नामांकन पत्रों की जांच 30 अप्रैल तक होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 2 मई होगी, जबकि मतदान 19 मई को करवाया जाएगा और मतगणना हमीरपुर के बाल स्कूल परिसर में 23 मई को की जाएगी। 22/4/2019 नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 29/4/2019 नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल यानी कि स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स 30/4/2019 लास्ट डेट फॉर विड्रॉवल अभ्यर्थी ये जो विड्रॉवल का होगा इसमें कैंडिडेचर का 2/5/2019 मतदान की तिथि 19/5/2019 यानी कि 19 मई 2019 मतगणना की तिथि 23/5/2019 384,137 यानी कि 384137 मतदाता अभी तक हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 188,224 महिला मतदाता 195,913 है और इसमें दिव्यांग मतदाता 2,573 है। पूरे जिला में 2,112 मतदान जो है एम्प्लॉइज इनको कार्मिक मतदान करवाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। कंप्लेंट्स भी लोग कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1950 1950। FLC जैसे कि आप जानते हैं EVMs की एक फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है इलेक्शन से पहले, वो भी जिले में कर दी गई है। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियर से करते हैं, वो हमने एक फर्स्ट लेवल चेकिंग करवा दी है इस जिला हमीरपुर में। और इस बार भी मतदान के उपरांत सारी के सारी जो EVMs हैं वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में केंद्रीय सुरक्षा बलों एवं सीसीटीवी की निगरानी में रखी जाएंगी। जो यानी कि जो काउंटिंग सेंटर होगा जिला हमीरपुर का वो होगा बॉय स्कूल। वोटों की गिनती भी रखी भी वहीं पर जाएंगी मशीनें और वोटों की गिनती भी बॉय स्कूल में ही की जाएगी। सामान्य निर्वाचन के दौरान एक अभ्यर्थी यानी कि एक कैंडिडेट के लिए खर्चे की अधिकतम सीमा 70 लाख है। खर्चा भी आप जैसे कि जानते हैं इलेक्शन के दौरान मॉनिटर किया जाता है जब एक बार हमारे कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे।